मेरे को पता चला एक एम एल है चुनाव के पहले उसके पास चार एकड़ जमीन थी पांच साल के बाद उसके पास एक हजार एकड़ जमीन हो गई एक और एम एल है चुनाव के पहले दो हजार रुपए महीने कमाता था किसी की दुकान पे आज बीस हजार करोड़ का मालिक है सारा पैसा खा गए सरकार बनेगी एक एक पैसे का हिसाब लेंगे जितना पैसा इन्होंने खाया है इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा इनके पेट में से बाहर निकाल लेंगे। छोड़ेंगे नहीं किसी को गुजरात का एक एक पैसे का हिसाब लेंगे एक पैसा वापस लेंगे इन लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा अभी पंजाब में भगवंत मान साहब का एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था हेल्थ मिनिस्टर इनको किसी ने बताया कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है अभी मीडिया को नहीं पता था विपक्ष को भी नहीं पता था ये चाहते तो दबा देते इन्होंने जांच कराई पता चला कि वो गड़बड़ कर रहा है पता इन्होंने क्या किया अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया कोई करता है ये तो बातें सतयुग में होती थी आजकल तो कलयुग है कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है कोई नहीं डालता ये आम आदमी पार्टी है कट्टर ईमानदार पार्टी है कट्टर ईमानदार सरकार है हमारी मेरा भाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं मेरा अपना भी कोई भ्रष्टाचार करेगा मेरा बेटा भी भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेगा तो गुजरात का एक एक पैसा गुजरात सरकार का एक एक पैसा गुजरात के लोगों पे खर्च होगा आपके विकास के ऊपर खर्च होगा आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं तहसीलदार के दफ्तर में जाते हो पटवारी के दफ्तर में जाते हो चाहे बिजली का कनेक्शन लेना हो पानी का कनेक्शन लेना हो जाति प्रमाण पत्र बनाना हो राशन कार्ड बनाना हो आधार कुछ भी करा पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? 15 पंद्रह दिसंबर को सरकार बनेगी उसके बाद एक भी काम कराने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा पंद्रह दिसंबर के बाद सारे काम आपके फ्री में होंगे हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है दिल्ली में कर दी हमने आप फोन करना काम बताना सरकारी दफ्तर से एक ऑफिसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है दिल्ली में एक पैसा नहीं देना पड़ता बिना पैसे के काम होता है पंजाब में एक पैसा नहीं दे, देना पड़ता बिना रिश्वत के काम होता है क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है करप्शन खत्म होगा खूब पैसा बचेगा इतना पैसा बचेगा इतना पैसा बचेगा आपके ऊपर खर्च करने के लिए दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जब से हम गुजरात आ रहे हैं इतना प्यार मिला है आप लोगों का इतना प्यार मिला है लोग कहते हैं केजरीवाल जी हम आपको अपना भाई मानते हैं आपका कुछ लोग बुजुर्ग कहते हैं आपको बेटा मानते हैं इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला आप लोगों से पूछना चाहता हूं कितने लोग मुझे भाई मानते हैं अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं जरा हाथ खड़ा करके बना आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इतना प्यार दिया आप लोगों ने एक ही विश्वास दिलाता हूं सरकार बनने के बाद आपका भाई बनके आपके परिवार का हिस्सा बनके आपके परिवार की जिन परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा मैं आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा सबसे पहले आपको महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा मेरे को पता है आपके परिवार में सबसे ज्यादा मुश्किल इस टाइम महंगाई से हो रही है कि नहीं हो रही मुश्किल बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है सबसे पहले महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा एक मार्च के बाद आपको अपना बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है आपका बिजली का बिल आपका भाई केजरीवाल भरेगा सारे आपके बिजली के बिल मैं भरू दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है बिजली का बिल जीरो आता है अब गुजरात में भी एक मार्च के बाद से 24 घंटे बिजली आएगी और बिजली का बिल जीरो आएगा बिजली का बिल जीरो आएगा किसी का दो हजार रुपये किसी का तीन हजार रुपये सब लोग अपना कागज पेन निकाल लो कागज पेन नहीं है तो फोन निकाल लो मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने से हर महीने कितना फायदा होगा तो मोटे मोटे तौर पे तीन हजार रुपए महीना तो बिजली का बिल बचेगा बचेगा कि नहीं बचेगा दो हजार तीन हजार तीन हजार मान लो तीन हजार रुपये तो बिजली का बिल बचेगा फिर आपके परिवार में जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं अभी आप एक एक बच्चे पे कम से कम तीन हजार रुपए महीना खर्च करते हो पढ़ाई कराने के लिए स्कूल में करते हो कि नहीं करते तीन हजार कम से कम खर्च हो जाता है तीन बच्चे हो तो दस हजार रुपए महीना लगभग खर्च हो जाता है अब आपके बच्चों की फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है केजरीवाल आपके बच्चों की फीस भरेगा आपके लिए स्कूल बनवाएंगे दिल्ली में खूब शानदार स्कूल बनवाए हमने पूरे गुजरात के अंदर मैंने प्लानिंग करी है गांव गांव के अंदर स्कूल बनाएंगे शानदार स्कूल बनाएंगे अमीरों के बच्चे भी पढ़ेंगे गरीबों के बच्चे भी पढ़ेंगे दिल्ली के अंदर एक ही डेस्क पे जज का बेटा आई अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं अब दिल्ली में मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है वकील बन रहे हैं गरीबों के बच्चों को बड़े शानदार उनके सोचो जब डॉक्टर बनेगा एक रिक्शे वाले का बच्चा उसकी महीने की कमाई होगी तीन लाख रुपए वो अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेगा आपके घर में जितने बच्चे हैं उनको शानदार शिक्षा दूंगा उनको उनकी फीस की उनकी कापी किताब की ड्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपका भाई आपका बेटा केजरीवाल सारा इंतजाम करेगा आपके बच्चों की शिक्षा का तो दस हजार रुपए इसके बच गए तीन हजार रुपए बिजली के बच गए आपके घर में कोई बीमार होगा चिंता मत करना भगवान ना करे बीमार हो कोई ना बीमार हो सब लोग स्वस्थ रहें लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होगा उसके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा, उसका इलाज उसकी दवाई उसका टेस्ट उसका एडमिशन उसका ऑपरेशन दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया दो करोड़ लोग चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो चाहे बच्चा हो चाहे आम औरत हो चाहे आदमी सबका इलाज मुफ्त कर दिया शानदार बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं गुजरात में मैंने पूरा प्लान बनाया है हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे बीस हजार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे नए नए अस्पताल खोलेंगे याद करके देखो जब कोरोना हुआ था गुजरात के अंदर कितना तड़पे थे आप लोग कितना फोन किया था भाजपा वालों को किसी ने आपका फोन नहीं उठाया किसी ने आपका फोन नहीं उठाया अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं आपका भाई आ गया है आपका बेटा आ गया है मैं आपके आपका इलाज कराऊंगा भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो लेकिन अगर कोई बीमार होगा उसका पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी आपका भाई देगा केजरीवाल देगा आपका बेटा देगा महीने में पांच सात हजार रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं बीमारी में दवाइयों में सारी दवाइयां मुफ्त होंगी तो पांच हजार रुपए इसके बच गए तीन हजार रुपये बिजली दस हजार शिक्षा पाँच हजार दवाइयों के अट्ठारह हजार उसके बाद जितनी अपनी बहनें हैं अठारह साल से ऊपर की बहनें हैं कॉलेज जाती हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है पैसे नहीं होते बाप के पास मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जानता हूं जो घर में बैठ जाती हैं क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं है अठारह साल से ऊपर की हर बेटी के हाथ में हर महीने उसके अकाउंट में हज़ार हज़ार रुपए डालेंगे हर माँ के अकाउंट में अठारह साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं हर एक के अकाउंट में हज़ार हज़ार रुपए डालेंगे और अगर एक घर में तीन महिलाएं हैं माँ हैं या सास है एक बहू है एक बेटी है तो हजार हजार तीनों को अलग अलग मिलेंगे तीनों के अकाउंट में हज़ार हज़ार रुपए अलग जाएंगे तो तीन हजार रुपये महीना ये हो गया कितने हो गए इक्कीस हजार रुपये और अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसके रोजगार का भी इंतजाम मैं करूँगा दिल्ली में पिछले पाँच साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया 12 लाख बच्चों को भगवंत मान झा साहब ने पिछले 6 महीने में बीस हजार नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम करूंगा और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने उसको तीन हजार रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा अगर आपके घर में दो बेरोजगार हैं तो छ हजार रुपये हो गए सत्ताईस हजार रुपए महीने का फायदा होगा आम आदमी पार्टी की सरकार से सही है कि नहीं है गलत तो नहीं बोल रहा सारा हिसाब किताब करके दिखा दिया मैं अभी सुन रहा था थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे गुजरात तीस हजार करोड़ का पैकेज दे के गए सुना आप लोगों ने टीवी में देखा होगा अखबारों में सुना था आप लोगों ने तीस हजार करोड़ का पैकेज दिया उन्होंने गुजरात को तीस हजार करोड़ का ठेकेदार बड़े खुश हो गए मंत्रियों की भी चमक आ गई मंत्री बोले ये तो ऐश हो गई तीस हजार करोड़ और मिलेंगे लूटने के लिए ठेकेदार बोले तीस हजार करोड़ और मिलेंगे लूटने के लिए आपको क्या मिलेगा उस तीस हजार करोड़ में से ठन ठन गोपाल आपको तो कुछ नहीं मिला अरे तीस हजार करोड़ तो मंत्री खा जाएंगे ठेकेदार खा जाएंगे जनता को तो कुछ नहीं मिला जनता तो यूं देखती रह गई मैं आपको तीस हजार करोड़ का पैकेज नहीं दे सकता लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि मेरी सरकार बनवा दो हर परिवार को महीने के तीस तीस हजार रुपए का फायदा करा दूंगा मैं अगले साल अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा भगवान श्री राम का राम लल्ला जी का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा सबकी इच्छा है कि राम मंदिर का दर्शन करके आए कौन कौन जाना चाहता है राम मंदिर के दर्शन करने के लिए सब लोग जाना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं हैं और पूरे परिवार को लेके जाएंगे तो बहुत पैसे लगते हैं दिल्ली में मैंने स्पेशल ट्रेन चला दी दिल्ली वालों को स्पेशल ट्रेन से मैं अयोध्या जी के दर्शन करा के लाता हूं आना जाना खाना पीना रहना सब मुफ्त आपको भी एक एक गुजराती को मैं गुजरात के एक एक आदमी को राम लल्ला के दर्शन करा के लाऊंगा मुफ्त में दर्शन करा के लाऊंगा मेरे को राजनीति करनी नहीं आती मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं ईमानदार आदमी हूं देशभक्त आदमी हूँ मेरे को गुंडागर्दी नहीं करनी आती मेरे को भ्रष्टाचार नहीं करना आता मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती मेरे को इनकी तरह लफंगई नहीं करनी आती मेरे को स्कूल बनाने आते हैं मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं अगर आपको राजनीति करनी है तो उनको वोट दे देना अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए तो उनके पास चले जाना अगर आपको लफंगई चाहिए गाली गलौज चाहिए भ्रष्टाचार चाहिए उनके पास चले जाना अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं तो मेरे पास आ जाना मैं स्कूल बनवा दूंगा अगर आपको अस्पताल बनवाने हैं मोहल्ला क्लिनिक बनवाने हैं मेरे पास आ जाना मैं आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा आपका इलाज करा दूंगा राग आपको बिजली चाहिए मेरे पास आ जाना हूं मैं सड़कें बनवानी हो सड़कें बनानी आती है मेरे को इंजीनियर हूं मैं वो सारे काम मैं कर दूंगा लफंगा ही चाहिए तो उनके पास चले जाओ मेरे को लफंगा ही करनी नहीं आती मेरे को नफरत है गुंडागर्दी से